हे मॉमीज, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। सो जैसे कि मैं काफी कंटेंट शेयर करती हूँ किड्स के बारे में, टॉटलर्स के बारे में, अपनी डॉटर के बारे में, तो वैसे ही आज मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आपके यहाँ शेयर करने वाली हूँ, वो है ओरल हाइजीन। तो जैसे ही हम अपने दांतों का ध्यान रखते हैं, एक अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं ब्रशिंग करके, फ्लॉसिंग करके, तो वैसे ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने टॉडलर के टीथ का ध्यान रखें। तो यूजुअली हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि छोटे बच्चे हैं, इनका ब्रश करवाना जरूरी है क्या? बट जैसे ही बच्चे के दांत आते हैं, बच्चे का ओरल हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स बच्चा फॉर्मूला लेता है या कोई और ड्रिंक्स लेते हैं जिसके साथ जो है वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है अगर बच्चे के आप टीथ वगैरह क्लीन नहीं कर रहे हो। एडल्ट्स के साथ टॉडलर्स का भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है डेली दो बार ब्रश करना, जिसके साथ आप बच्चों के टूथ डिके जैसे कि कैविटीज हो जाती हैं या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे बच्चा छोटा होता है आप एक क्लीन कॉटन छोटा सा क्लोथ लेके बच्चे की टंग या गम्स वगैरह क्लीन कर सकते हो, और जैसे बच्चे के दांत आते हैं तो आप एक ब्रश की हैबिट फॉर्म कर दे स्टार्टिंग से, तो आप बच्चे को अपने साथ खड़ा कर सकते हैं जब आप ब्रश करते हो, थोड़ा सा ब्रश दे सकते हो उसको ताकि उसको पता चले कि कैसे पेरेंट्स ब्रश कर रहे हैं, तो वैसे ही बच्चे की जो हैबिट है वो फॉर्म होती है। तो वैसे ही हमारी डॉटर ने ब्रश करना स्टार्ट करा था। मैं अपनी डॉटर एम्बर जो कि 2 साल की है उसके लिए ये ब्रश यूज कर रही हूँ, लव लैप इलेक्ट्रिक टूथब्रश जिसमें वाइब्रेशन होती है, जो कि सेंसिटिव टूथ के लिए है, जैसे कि बच्चों के दांत काफी सेंसिटिव होते हैं, गम्स काफी सेंसिटिव होते हैं, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ। टूथब्रश इज डिजाइन फॉर फन वाइल ब्रशिंग। इसमें ये LED लाइट है जो कि बच्चे को इंगेज रखती है, जब बच्चा ब्रश करता है बच्चे को लगता है कि ये लाइट बहुत ही अच्छी लग रही है और बच्चा इसको एक फन एक्टिविटी की तरह लेता है। ऑल्सो इट ग्रोज विद योर चाइल्ड। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 2 ब्रश आते हैं, 0 to 18 month तक के लिए स्मॉल वाला यूज करना होता है, 18 month से 36 मंथ के लिए आप ये बड़ा ब्रश यूज कर सकते हो, और यहाँ पे एक बटन है जिसको प्रेस करना है और ये स्टार्ट हो जाता है, वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत ही डेलिकेट है बच्चों के टीथ और गम दोनों के लिए, तो ये जेंटली क्लीन करता है, जो ब्रिसल्स है बहुत ही सॉफ्ट है बच्चे के लिए और बच्चे के ओरल हाइजीन को ये मेंटेन रखते हैं। तो बच्चे की कोई प्लाक वगैरह हो जाती दांतों में उसको रिमूव करने में काफी हेल्प करता है एज कम्पेयर टू मैनुअल ब्रश जो हम नॉर्मल यूज करते हैं। दिस ब्रश जेंटली क्लीन्स योर बेबी teeth while massaging their gums with 18,000 delicate vibrations per minute. और इनको चेंज करना बहुत ही इजी है, जस्ट यहाँ से पुल करे और दूसरा ब्रश इसमें लगा के यूज कर सकते हो। तो ये बच्चे के गुड ब्रशिंग हैबिट्स को डेवलप करने में बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छी ग्रिप आती है जिसका बच्चा इजिली होल्ड करके ब्रश कर सकता है, यहाँ पे ऑन ऑफ इजिली बच्चे कर सकते हैं और स्लोली स्लोली बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरी डॉटर बात लेती है तब भी मैं उसको ये दे देती हूँ और वो तब भी ब्रश प्रैक्टिस करती है। अगर गिर गया तो ये अपराइट पोजिशन में रहेगा क्योंकि यहाँ पे अच्छा एक सक्शन बेस है जिसके साथ ये किसी जर्म्स या डर्ट जो भी फ्लोर पे होती है बाथरूम के उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। ऑल्सो इट कम्स विद 1 year वारंटी, ऑल्सो इट्स AAA बैटरी पावर्ड, तो आप इसके लिए ड्यूरासेल यूज कर सकते हो और इसमें बैटरी डालना बहुत ही ईजी है, जस्ट यहाँ नीचे से आप पुल करें और यहाँ पे आप बैटरी एड कर सकते हैं। सो बच्चे के ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, किसी भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए आप बच्चे की जितनी जल्दी हो सके बच्चे को ब्रश करना स्टार्ट करवा दें। बहुत ही ईजिली बच्चे इस ब्रश को एंजॉय करते हैं, जैसे कि एज के हिसाब से आप ब्रश दोनों में से चेंज कर सकते हैं, 0 to 18 month तक के लिए स्मॉल और उसके बाद आप बड़ा वाला इसमें यूज कर सकते हैं, बैटरी चेंज कर सकते हो। ऑल्सो इट आउट शट्स आफ्टर 2 minutes, तो अगर बच्चा यूज कर रहा है तो 2 मिनट के बाद अपने बंद हो जाएगा और बच्चे को पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ब्रश जो है वो कंप्लीट हो गया है, मेरे दांत क्लीन हो गए हैं। तो मेरी डॉटर को ये बहुत ही पसंद है, बहुत इंजॉय करती है, और ये ब्रश लवलैप और amazon.com पर है, तो मैंने amazon से लिया है, आप जरूर चेक कीजिए। इतना अर्ली आप बच्चे को ब्रशिंग स्टार्ट कराएंगे बच्चे को उतनी अच्छी हैबिट ये स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय।